मोहम्मद बिन सलमान का जो ये बयान है कि हम चाहते हैं कि यूएनएससी में स्थायी सदस्यता पर भारत को साथ मिला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। हिंदुस्तान को भी सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के तौर पे जगह दी जाए। आई हैड अ फ्रेश आइडिया, वी कुड बेस सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप ऑन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स। आई थिंक द बेटर सॉल्यूशन वुड बी टू लीव इट टू बीसीसीआई। ये सबसे पहले तो हिंदुस्तानियों के लिए एक मुबारकबाद है। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का पक्का ही मसला हल खत्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व। लेकिन यहाँ पर यूएई पाकिस्तान को मशवरा दे रहा है कि आप अगर अपने फ्यूचर में बेहतरी चाहते हैं तो अपने नेबर्स के साथ रिलेशन को बेहतर करें। भारत को सलामती काउंसिल की सदारत मिलना कितनी बड़ी टेंशन हो सकती है पाकिस्तान के लिए? तो अगर इंडिया को मिल भी जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो, इसका मतलब ये नहीं कि वो फलस्तीन के लिए या कुर्दिस्तान के लिए या उइगर्स के लिए लेंगे। मजबूर कर दिया कि वो इंडिया के ऊपर निर्भर हो जाए। इंडो पैसिफिक में आर क्रूशियल पार्टनर इज इंडिया इन इंडो पैसिफिक, अमेरिका और फ्रांस कहते हैं। आपको वीटो पावर्स को अपनी तरफ लेके आना है। परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो एका दुक्का अगर पाकिस्तान की बात मानी जाती थी, अब वो भी नहीं मानी जानी। और इंडिया बरहक है कि उसको ये जगह दी जाए। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक वो कामयाबी है। तो पहले जैसे आपने देखा ना, कभी कभी आप जब यू स्पेशल में चढ़ते हैं तो जो पहले सीट में जो बैठ जाते हैं वो तो कभी सीट को छोड़ते नहीं। एक किस्म से यूएन भी ऐसा ही है कि जो बैठ गए उनको लगता है कि हमारा सबसे पहले कि सऊदी अरेबिया ने हिंदुस्तान का जो केस है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एशिया की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं सिवाय चाइना के, और इंडिया बरहक है कि उसको ये जगह दी जाए। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक वो कामयाबी है हिंदुस्तान की। जैसे नज़र आ रहा है हिंदुस्तान और ये अरब एमिरेट्स और अब सऊदी अरेबिया, ये एक क्लोज कोऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। और इसमें मोहम्मद बिन सलमान का जो ये बयान है कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को भी सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के तौर पे जगह दी जाए, ये सबसे पहले तो हिंदुस्तानियों के लिए एक मुबारकबाद है कि उनकी जो हुकूमत है, उनकी जो रियासत है, उनके जो लोग हैं, उनकी अरब वर्ल्ड के दुनिया में भी अब जो साख्त है वो मानी जा रही है। और बिल्कुल मुनासिब बात है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन जहाँ होती है वहाँ पे और किस्म के दरवाजे भी खुल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है हिंदुस्तान के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो सिक्योरिटी काउंसिल आज तक रही है उसने बेशक कई जंगों को रोका है लेकिन कई जगह पे नाकाम भी हो गए हैं। तो यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ लोग समझें कि एशियन लोगों को अपने लिए आगे बढ़ने के लिए कोऑपरेट करना पड़ेगा। और ये इंडिया पाकिस्तान की जो एक रुकावट बनी हुई है लार्जली बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, वो भी जिस दिन ख़त्म होगी तो ये इलाका और तरक्की करेगा और यहाँ पे और बेहतर हालात पैदा होंगे। लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर हिंदुस्तान की जो प्रेजेंस है वो मानी गई है। कुछ लोग कह रहे हैं जी कैसे हो सकता है अरब मुल्कों में मंदिर बने और मूर्तियाँ आए। भाई वाई नॉट, किस दुनिया में रहते हो यार, दिस इज 21st century। मुसलमान आए यूरोप के अंदर, वहाँ पर कोई मस्जिद नहीं थी सिवाय एक वो यूके में हुआ करती थी या फ्रांस में एक दफा उन्होंने बना दी थी, वहां पे अब मस्जिदें बन गई। इंडिया अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी उसके पास चली गई, अब साइंस और टेक्नोलॉजी का भी उधर रुख होता जा रहा है, अब इंटरनेशनल पार्टनरशिप में भी वो आगे आगे है, तो अब किसी न किसी तरीके से उसको एंगेज किया जाए। और इससे बेहतर एंगेज करने का क्या तरीका है कि पाकिस्तान उसको आर्म रेस के चक्कर में लेके आ जाए और ये मुतालबे शुरू हो जाए जी के ये डेवलप कर रहा है, भारत जो है वो आर्म्स ले रहा है और ये सहायता नहीं। वैसे है ना, आपकी कंट्राडिक्टरी और डिसीविंग किस्म की स्टेटमेंट्स अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए तो किसी हद तक चलती हैं और चल रही हैं बड़ी कामयाबी से, लेकिन दुनिया इस पे हंसती है। पूर कर दिया कि वो इंडिया के ऊपर निर्भर हो जाए। इंडो पैसिफिक में आर क्रूशियल पार्टनर इज इंडिया इन इंडो पैसिफिक, अमेरिका और फ्रांस कहते हैं। आपको वीटो पावर्स को अपनी तरफ लेके आना है। फिर जितने भी दुनिया के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, पर कुछ जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं आपको उसमें अपनी पावर बढ़ानी होती है, ठीक है? वो इंडिया ने बढ़ाई।
उसके बाद क्या होता है, आपको अपने गोल्ड रिजर्व चाहिए। वैसी बात है, एक होता है डॉलर रिजर्व, एक होता है गोल्ड रिजर्व। जब आपको अपनी करेंसी स्ट्रॉन्ग करनी होती है तो आपको अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने होते हैं। तो इंडिया ने इन 9 सालों में आहिस्ता आहिस्ता स्लोली अपने हर गोल्ड रिजर्व हर साल बढ़ाते गए बढ़ाते गए, अभी भी बढ़ाते ही जा रहे हैं, और बड़ी बल्क बाइंग हो रही है इंडिया की। इसके बाद आपको क्या चाहिए, जब ये सब हो गया फिर आपको खाने का स्टॉक आपके पास 3-4 साल का होना चाहिए, आपके पास एम्यूनेशन का स्टॉक पूरा होना चाहिए, आपको अपने मुल्क के हर एक फ्रंटियर को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि कोई उसका मुकाबला ना कर। जब अमेरिका ने डॉलर को वेपनाइज किया तो इंडिया को एक मौका नजर आया, और उस मौके का इंडिया ने इस्तेमाल करके रुपी को इंटरनेशनलाइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपके सॉफ्टवेयर तो पूरी दुनिया में, अगर यूपीआई देखें तो 40 प्लस मुल्कों में, पर इंडियन रुपी आपका 21 प्लस मुल्कों में अभी भी चल रहा है। तो आप स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। फिर इंडिया उसको किस तरह कर रहा है कि भाई जहां जहां जिन जिन मुल्कों के साथ एफटीए करना है वहां वहां इंडियन रुपी घुसेड़ो। इंडिया तो ऑलमोस्ट हर दुनिया के हर जगह ही एफटीए की बातें इंडिया की चल रही हैं। तो ये एक और फटल तरीका होता है आराम से प्यार मोहब्बत से बगैर किसी कोई नजरों में आए अपने रुपी को इंटरनेशनलाइज करना। सर, इन सूरत हाल में आप क्या कहेंगे, हमें हमारी सियासत कहां पर ला के उसने हमें खड़ा कर दिया, हमें मरने पे मजबूर किया, मरने पे मजबूर कर दिया। आप कहां से हैं? मैं केपीके से हूं। आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं। अफगानिस्तान तरक्की कर रहे हैं, भारत बहुत आगे चला गया है, पाकिस्तान का क्या बनेगा? पाकिस्तान का कुछ नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान का जो हालात है, इस हालात में कुछ भी नहीं बन सकता है पाकिस्तान का। सर, 60-70% आवाम यूथ है, आपके इर्द गिर्द भी नौजवान खड़े हैं। सर, हमारा केपी का जो है ना, उसका भी आजकल जो हालात और दहशतगर्दी जो चल रहे हैं, अगर आपको मैं बताऊं तो हर रोज जो है ना उधर बहुत बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत लोग मर रहे हैं केपी के में। बिल्कुल, और हमारे पठान जितने जो है ना अमन पसंद है ना, इतना कोई भी नहीं है, लेकिन हम पठानों उनको बहुत ज़्यादा बदनाम किया है, लेकिन बदनाम नहीं करना चाहिए। सही है, सब पाकिस्तान हम सब मिलजुल के रहना चाहिए। हम पठानों ने जितना कुर्बानी दिया पाकिस्तान के लिए, इतना किसी ने नहीं दिया, ना कोई दे सकता है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान का हालात जो हुक्मरानों ने ख़राब किया, कुछ हुक्मरान ने ख़राब किया, कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने ख़राब किया है, सही है ना। जो जो हालात आजकल ख़राब हुए ना, ये सब जो है ना एस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान दोनों मिलके ख़राब किया है, हम एक पे इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। सही है, बाकी जो हालात चल रहे ना हमारा मुल्क और कश्मीर का बात जो है ना, कश्मीर को उन लोगों की उम्मीद तोड़ गया, कश्मीर की उम्मीदें टूट गई, टूट गई है। वो हमारे साथ, हम वो हमारे पाकिस्तान को जो वो देखते हैं ना, जिस हालात में देख रहे हैं, किस तरह वो आएगा, वो हमारा पाकिस्तान का इतना हालात ख़राब है तो उधर हमारे साथ कैसे मिलेगा। फिर भी हमसे इंडिया से दहशतगर्द कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दहशतगर्दी तो नहीं है ना इंडिया में, इंडिया में दहशतगर्दी नहीं है, एग्री नहीं है ना, बम नहीं फटते पाकिस्तान में, जितने बम फटते अब इलेक्शन से पहले क्या क्या नहीं हुआ। सही बात, अब इलेक्शन हो गया, अब थोड़ा सामान आ गया।